हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज की स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिजाइनर लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, 34 साइज लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा शेप दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो उसको साइड में कर देंगे और जो बैक पार्ट हमारा है उसके ऊपर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि अंदर की साइड में बहुत ही क्लीन दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसमें अस्तर लगाएं, नहीं चाहे तो फिर बिना अस्तर का भी ये हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम नीचे की साइड से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, पहले आपको कपड़े को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद से यहाँ पर जितना भी आपको ब्लाउज का लंबाई लेना है उससे 1 इंच बढ़ा करके लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच में इस ब्लाउज की लंबाई ले रहे हैं 1 इंच मार्जिन के साथ। अब देखिए, ऊपर की साइड से हम शोल्डर 6 इंच ले रहे हैं क्योंकि बोटनेक में बैक साइड का डिज़ाइन बनाना है हमें। और आर्म होल की लंबाई भी हम यहाँ पर 6 इंच ही लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीने का चौथाई भाग 8.5 इंच लेंगे क्योंकि 34 साइज में ब्लाउज बन रहा है। और नीचे से देखिए, कमर का चौथाई भाग 7 इंच, 1 इंच प्लेट का और 2 इंच मार्जिन का। तो सिंपली आप अपने माप के हिसाब से इसी तरह से मार्किंग कर लें। अब हम देखिए, बैक साइड के आर्म होल में गोलाई देने के लिए 1.5 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट होती है और इसी मार्किंग के ऊपर हम कपड़े को कट कर लेंगे। और बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस ब्लाउज की कटिंग समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें और कुछ नया सीखें। तो इस तरह से देखिए, हम पूरे जिस तरह से हम राउंड दिए थे इसमें उस तरह से कट कर लिए हैं। और कट करने के बाद से अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच से जहाँ से हमारा गला का शेप दिया हुआ है वहीं से इसे फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, आपको सेंटर का बिल्कुल ध्यान देना है, नहीं तो फिर आपका जो गला है तिरछा हो जाएगा। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम बैक पार्ट को इसके ऊपर बंद भाग की तरह बंद भाग से मिलाते हुए रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जो गले की लंबाई है फ्रंट पार्ट की वो हमें कितना लेना है। तो जितना आपको लंबाई लेना है उतना ऊपर की साइड से मार्क कर लेना है क्योंकि उसके नीचे ही हम बैक पार्ट को रख करके कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आप लेंगे कि ब्लाउज की कटिंग करें तो गला आपको क्लियर कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिंसेस कट डालेंगे तो उसके लिए नीचे की साइड से आपको 1/2 इंच बढ़ा लेना है। साइड से देखिए, हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं और ऊपर की साइड से 1 इंच बढ़ा लेना है क्योंकि प्रिंसेस कट जब हम ज्वाइंट करते हैं तो हमारा 1 इंच मार्जिन उसमें यूज होता है। बाकी ऊपर की साइड जो आर्म होल है उसमें सेम हम जिस तरह से है उस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मार्किंग करने के बाद से अब हम इसी मार्किंग के ऊपर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है उसको करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको स्टोन दिख रहा है वहाँ पे आपको स्टोन को निकाल देना है। और अब इसको हम उल्टा कर लेंगे क्योंकि उल्टा करके आपको मार्किंग अच्छे से समझ में आएगी। फ्रंट पार्ट में सीधे साइड काफ़ी स्टोन दिया हुआ है इसके लिए। देखिए, अब इसको हम उल्टा कर लिए और उल्टा करने के बाद से 34 साइज ब्लाउज में आपको प्रिंसेस कट में शेप कितना देना है इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगी। तो ऊपर से आपको 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट ले लेना है और साइड से 3.5 इंच ले लेना है। तो इस तरह से नीचे से हम 3 इंच 2 पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच ले लेंगे। इसी तरह से आपको प्रिंसेस कट में शेप देना है। यहाँ पर देखिए, आर्म होल का जो कॉर्नर है उसको निकाल लेंगे और कॉर्नर से बीच वाले इनको लाइन को टच करते हुए और उसके बाद से नीचे वाली लाइन में मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं शेप दे रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको भी देना है। और जहाँ भी हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ से हम नीचे वाले लाइन में भी अच्छे से देखिए इस तरह से शेप देते हुए मिला लेंगे। अब हम साइड से 1/2 इंच ऊपर के साइड डाउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। दूसरे साइड भी आपको 2 से 3 पॉइंट कर लेना है डाउन।
और अब हम इसी मार्किंग के ऊपर इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट को हम यहाँ पे कट कर लिए हैं, साइड से जो हम मार्क किए थे उसको भी कट कर लेंगे। और कट करने के बाद से देखिए, अब इसको कर देंगे साइड में। आप चाहें तो फिर इसमें अगर आपको अस्तर डालना है तो सेम इसके बराबर से अस्तर को कट कर लें। तो देखिए अब हम देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह से हमारा गला में शेप दिया हुआ है। तो गले की लंबाई यहाँ पर टोटल 6.5 इंच हम ले रहे हैं, और इसकी चौड़ाई है जो हम डबल में 3 इंच लेंगे। और देखिए इस तरह से नीचे वाला जिस तरह से शेप दिया हुआ है उसी तरह से हमें कपड़े को कट करना है। ऊपर की साइड आपको मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। तो देखिए इस तरह से हम फ्रंट पार्ट के गले को कटिंग कर लिए हैं, और गला यहाँ पे हमारा कट चुका है। प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है, और अब हम स्लीव कट करेंगे। तो उसके लिए देख जो भी स्लीव का बॉर्डर दिया हुआ है उसको बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद से यहाँ पर आपको जितना भी स्लीव की लंबाई रखनी है, यानी बाजू की लंबाई रखनी है, उससे आपको 1 इंच बढ़ा करके लेना है। यहाँ पे 3 इंच में डाउन कर लेंगे, और इसकी चौड़ाई हम 8.5 इंच में लिए हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, आपके सीने का चौथाई भाग आपको चौड़ाई ले लेना है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव की शेप दे देंगे, और नीचे की साइड मोहरी 5.5 इंच लेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्लीव की जो शेप होती है उसको ड्रॉ कर दिए हैं, और उसी के ऊपर आपको स्लीव की कटिंग कर लेनी है। दोनों स्लीव आपको सेम आइडिया से कट कर लेना है, और यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बैक पार्ट को लेंगे और इसको उल्टा करके इसमें गले का शेप देखेंगे, तो ऊपर के साइड से गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले लेंगे, और गले की लेंथ हम 11 इंच में लिए हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3.5 इंच ही लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। बॉक्स को रेडी करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब हम ऊपर के साइड से 3.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, जिसमें हम बोट नेक का शेप देंगे। कॉर्नर से आपको 3 इंच ले ले सॉरी 1.5 इंच ले लेना है, और 1.5 इंच वाली लाइन को टच करते हुए इसमें बोट नेक का शेप दे देना है। बोट नेक का शेप देने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, नीचे की साइड में भी हम राउंड शेप दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप कभी भी गले का शेप दें तो हल्के ही हाथों से मार्किंग करें, जो मार्किंग आपको क्लियर लगे उसके ऊपर डार्क कर लें। तो देखिए यहाँ पे लाइन को डार्क करने के बाद से देखिए बैक पार्ट की जो गले की मार्किंग है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर गले को कट कर लेंगे उसके ऊपर रख के। यहाँ पर देखिए अस्तर हम ज्वाइंट कर लिए हैं प्रिंसेस कट वाले पार्ट में, आप देख सकते हैं अस्तर के साथ इसे अटैच कर लिए हैं, और एक्स्ट्रे कपड़े को भी फिनिशिंग कर लिए हैं। और जो सेंटर पार्ट है उसमें हम अस्तर को नहीं ज्वाइंट किए हैं, क्योंकि इसी के ऊपर रख कर के हमें गले को पलट लेना है। तो देखिए सीधे साइड आपको मिलाते हुए रखना है, और सिंपली आपको एक चाप कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए पूरे गले को स्टिच कर लेना है। तो सिलाई आप गले के ऊपर फिनिशिंग से लगाएं ताकि आपका गला अच्छे से बन के रेडी हो। अब अंदर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके बराबर कर लेंगे, जहाँ भी हमारा कोना दिख रहा है वहाँ पे हम छोटा छोटा कट लगाएंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको गले को रेडी कर लेना है, और अब हम गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पूरे गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद से अब हम पूरे किनारे को स्टिच करके अस्तर के साइड ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको हाथ से फिनिशिंग देते हुए पूरे पार्ट को आपस में ज्वाइंट कर लेना है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको आपको कट करके बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद से अब हम इसमें प्रिंसेस कट को ज्वाइंट करेंगे। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान देना है कि अगर आपके
ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, तो आप प्रिंसेस कट को नीचे की साइड से ज्वाइंट करें दोनों बॉर्डर को मैच करते हुए। तो इसमें बॉर्डर नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से मैं ऊपर की साइड से ही प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ज्वाइंट कर रही हूँ। तो देखिए, इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा खिंचाव नहीं लेना है, जिस तरह से सेफ है उसी तरह से आपको दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि एक साइड का प्रिंसेस कट ज्वाइंट हो चुका है, और अब हम सेम आइडिया से दूसरी साइड का भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको हाथ से ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर से करते हुए दोनों साइड का हम ज्वाइंट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का प्रिंसेस कट ज्वाइंट करने के बाद से नीचे की साइड जो भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिखे उसको आपको बराबर कर लेना है। और यहाँ पे हम कमर पट्टी लगाएंगे, तो सीधे साइड से इस पट्टी को स्टिच करके अंदर के साइड हम फोल्ड करते हैं। अब पट्टी को बाहर के साइड करके पट्टी के ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसे अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि तुरपाई के बाद से हमें इस सिलाई को निकालना होता है। तो देखिए, आगे का पार्ट में हम कमर पट्टी ज्वाइन कर लिए हैं, अब हम बैक पार्ट को लेंगे। और देखिए, इस गले के शेप के ऊपर हम रख करके पेस्टिंग पेपर को कट कर लिए हैं और इसे अस्तर वाले पार्ट पर पेस्ट भी कर लिए हैं प्रेस से। तो अब हम देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सीधे साइड मिलाते हुए अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और इसको स्टिच करते हुए पलट लेंगे। तो सिंपली इसमें हम आधा इंच कपड़ा मार्जिन में यूज कर रहे हैं। और अब देखिए, पट्टी को फिर से बाहर के साइड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगाएंगे अस्तर वाले पार्ट का पर, और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे उल्टे साइड। और अब आपको क्या करना है, अस्तर की ऑल राउंड स्टिचिंग करनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हाथ आप अच्छे से इसमें फिनिशिंग के साथ करते जाएं और उसके बाद से पूरे राउंड को स्टिच कर लें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैक पार्ट को हम अस्तर के साथ ज्वाइंट करके रेडी कर लिए हैं। और अब हम इसको बिल्कुल बीचों बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर मार्किंग करेंगे ताकि हम गले को अच्छे से इसमें फिक्स कर पाएँ। अब देखिए फ्रेंड्स, पेस्टिंग पेपर वाले पार्ट को भी हम अच्छे से सेंटर मार्किंग इसका भी हम कर लेंगे और बिल्कुल बीचों बीच से मिलाते हुए आपको रखना है, यानी गला आपका बिल्कुल सेंटर में बनना चाहिए। आप चारों तरफ से पिनअप करनी ताकि सिलाई लगाने पे इधर उधर ना खिसके, और सिलाई आपको बिल्कुल पेस्टिंग पेपर को चिपकाते हुए चलाना है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं गले को स्टिच कर रही हूँ, सेम आइडिया से आपको स्टिच कर लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम बराबर कर लेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब पूरे गले में छोटा छोटा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद से इसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है, तो किसी भी नुकीले चीज़ से आपको कोने को फिनिशिंग के साथ बाहर कर लेना है दोनों साइड के। और अब देखिए फ्रेंड्स, नाखून से अच्छे से प्रेस करते हुए पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और अब हम इसके ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाएंगे, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, प्रेस से अच्छे से बैठ जाएगा। और अब हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, दोनों पार्ट को आपस में मैच करते हुए आगे के जो आर्म होल के गोलाई आते हैं उसमें आपको फिनिशिंग के साथ गोलाई दे देना है। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे, तो आर्म होल में जो भी प्रिंसेस कट वाले पार्ट में छोटा बड़ा आपको दिख रहा है उसको आपको फिनिशिंग कर देना है। तो देखिए, दोनों साइड शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद से अब हम इसमें स्लीव ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, स्लीव का आपको बिल्कुल सेंटर का जो कट होता है उसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद से जो पार्ट आपका फ्रंट पार्ट की तरफ आ रहा है बाजू वाला, उसमें आपको गहराई दे देना है। तो देखिए, यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लिए हैं दोनों साइड स्लीव अटैच करने के बाद से अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी फिटिंग है फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो बीच का चैन वाला वीडियो है हमारा डिलीट हो चुका है, उसके लिए सॉरी। तो एक साइड हम चैन लगा लिए हैं और दूसरी साइड आपको
फिटिंग कर लेना है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।